टेस्ट कैसा है? अच्छा है, अच्छा टेस्टी है, कुछ यूनिक लगा रील? अच्छा, जो बहुत बढ़िया है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं लखनऊ चारबाग के स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे। और बाकी हम क्यों यहाँ पे आए वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बैक कैमरे के साथ मिलते हैं आपसे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए और किस वजह से आए और क्या अपडेट आपको देने वाले, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगा, ये लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है, और स्टेशन के सामने आपको देखने को मिलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ में रेल कोच रेस्टोरेंट पहली बार खुला है। और यहाँ पे जहाँ तक हमें पता है राज्यों का जो अलग अलग डिशेज होता है। तो चलिए फिर एंट्री करते हैं और बताते हैं लोकेशन। बाकी हमने आपको बता दिया कि चारबाग जो स्टेशन है यहीं पर ये रेल कोच है, और बाकी क्या डिटेल है वो हम आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो रेल कोच रेस्टोरेंट है, इसकी जो ओपनिंग हुई है, इसकी ओपनिंग कल हुई है, यानी कि कल 28 अगस्त था और 28 अगस्त को यहाँ की ओपनिंग हुई है, और आज 29 है, 29 को हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा, अभी जस्ट ओपन हुआ है और आज पहला दिन है, तो जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इसकी प्राइस क्या है और आपको क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मिल सकती है, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आना होगा और जो भी फूड वगैरह ऑर्डर करना है यहीं पर हमें आना होगा, है ना? और यहीं से हमें रसीद मिलेगी जो ऑर्डर की। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बाहर भी खा रहे हैं और कुछ लोग शायद अंदर भी खा रहे होंगे, तो इसका क्या सिस्टम है, क्या अलग चार्ज अमाउंट कुछ अलग पे करना होता है? जो फूड का चार्ज है बस वही। तो अभी आप जान सकते हैं कि आपको अगर खाना है खुले में तो आप यहाँ खा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप फुल एसी का एंजॉय करते हुए इस ट्रेन के डिब्बे में ये जो कोच है इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अंदर जाइए, नो कॉस्ट इसमें, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं, सिर्फ आप जो खाने का पैसा बस उसका चार्ज देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ना कि ये ऐसे ही नहीं रेल कोच रेस्टोरेंट है, ये नीचे आप देखेंगे ना, ये है ना, इसी पर ये रेल कोच जो डिब्बा है इसको इस पर लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी अंदर भी हम जाएंगे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है, प्राइस क्या है, वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल पाएगी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पहला दिन है ओपनिंग के बाद, तो यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है जो कि आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें प्राइस वगैरह लग रखा है। बाकी आप यहाँ पे आकर के पूरी डिटेल में जान सकते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मिल जाएगी। और चलिए फिर थोड़ा सा अंदर चलते हैं ऊपर और जानते हैं थोड़ा और डिटेल इसके बारे में। तो ये सीढ़ियाँ बन रखी है ना, ये हमारे रेल कोच की तरफ जाती हैं, तो चलिए यहाँ से हम करने वाले हैं एंट्री और अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम एंट्री कर चुके हैं, और अगर आप ऑर्डर नीचे नहीं दिया और आप डायरेक्ट नीचे से ऊपर आ चुके हैं रेल कोच में, तो यहाँ पे आकर के आपको जो भी चीज़ें खाना है यहाँ पे भी ऑर्डर दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी सीट पे बैठ करके जा करके वहाँ भी ऑर्डर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे हैं ऑर्डर लेने के लिए, तो ऐसे भी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। बाकी आप एक नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, और आज पहला दिन है यहाँ का ओपनिंग के बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पे एक हमारे सर बैठे हुए हैं, जिनसे हम थोड़ी सी यहाँ की फैसिलिटी के बारे में जानेंगे और कुछ थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं सर। यही वो सर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें देने वाले हैं पूरी डिटेल। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार सर, थोड़ा सा हमें जानना है कि जैसे ये रेल कोच रेस्टोरेंट है, ये अभी अभी कल ओपन हुआ है जहाँ तक हमें पता है, और आज इसका पहला दिन है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं यहाँ पे क्या फैसिलिटी दी गई है कस्टमर्स के लिए कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। सेम है जी, क्योंकि ये हमारा पसंद ये है कि हमारा रेस्टोरेंट है 24 घंटे 24 आवर ओपन रहेगा जी, बिल्कुल, मतलब कि जो भी स्टेशन पे आते हैं, जो पैसेंजर आते हैं, वो कभी भी यहाँ पे आकर के कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने ये सुना कि काफ़ी मतलब अदर जो स्टेट है वहाँ की चीज़ें भी हमें यहाँ लखनऊ इस कोच में मिल सकती है खाने के लिए, सारी चीज़ें मिल जाएगी।
हाँ, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, वो धीरे धीरे हाँ सारी चीज़ें मैनेज हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम ये सीट की बात करें तो कितनी सीट है यहाँ पे, कितने लोग एक साथ में यहाँ पे बैठ कर? 52 52 लोग तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है, फुल एसी आप यहाँ पे आकर के इंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम देखते हैं और चीज़ें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और हमें थोड़ी सी डिटेल दी है। 52 लोग यहाँ पे एक साथ बैठ करके खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो सर अभी आप यहाँ का खाने पीने का आनंद उठा चुके हैं? अभी ऑर्डर किया है, वेटिंग में है। तो कैसा लग रहा है आपको? आज से पहला दिन है और शायद आप पहली बार आए होंगे खाने के लिए। तो हमने ऑर्डर दिया और हम वेट कर रहे हैं। तो इसका रिव्यू मतलब अब खाने के बाद ही मिल सकता है? अच्छा, नहीं, प्लेट देख करके हमें लगा कि शायद आपकी जो ऑर्डर है वो मतलब कम्प्लीट हो चुका हो। अच्छा अच्छा जी 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 ओके थैंक यू जी बिल्कुल। ये आपका देखिए, आपने खाने का नाम लिया, आपका खाना पहुंच चुका है आप तक। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो इंजॉय कर रहे हैं खाने का, और ये सर हैं जो आपको सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी हम फ्रेंड्स अगेन पहुँच चुके हैं उसी सर के पास में, जो कि अब ये अपना मसाला डोसा जो है वो खा रहे हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा, टेस्टी है। मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे आकर के खाना चाहिए? साउथ इंडियन फूड है, प्लस उसमें यूपी का टेक्सचर भी है, मिक्स है, दोनों का हैबिट कॉम्बिनेशन है, लखनऊ की नज़ाकत भी है। और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसकी प्राइस वगैरह कैसी है, बाहर की जैसी या फिर कुछ कॉस्टली है, क्या चीज़ है? अच्छा, आपने प्राइस नहीं देखा? रीजनेबल जी बिल्कुल। और अभी हमें लगता है कि नई नई ओपनिंग हुई है तो लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही होगा कि मतलब हमें एक बार जाना चाहिए और यहाँ पर आकर के खाना चाहिए, देखना चाहिए। अभी सर आप बताना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको, टेस्ट कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। तो आप बाहर बैठ के खा रहे हैं, अंदर नहीं बैठ रहे हैं, जबकि सीट अवेलेबल है? अच्छा, आपके पास टाइम नहीं है। तो खाना यहाँ पे आप खाइए तभी उतना टाइम लगेगा, अंदर खाएंगे तभी भी उतना टाइम लगेगा। ये सही है, मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे आप कि लोग आकर के यहाँ पे? और प्राइस क्या रीजनेबल लगा आपको? सही है सर। और सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ यूनिक लगा रेल? अच्छा, जो बहुत बढ़िया है, मतलब लोगों को आना चाहिए ना यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल। और एक सर, और क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस यहाँ का हमें बहुत ही रीजनेबल लगा। जैसे बाहर आप खा रहे हैं वैसे यहाँ पर आकर के आराम से आप जो भी खाना चाहें कर सकते हैं। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, आपके पास भी टाइम नहीं है तो यहाँ पे सारे लोग बहुत जल्दी में, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पे बाहर बैठ करके खाना खा रहे हैं जो भी है। तो फ्रेंड्स ऑल ओवर हमने यहाँ पे विजिट कर लिया और काफ़ी लोगों का हमने रिव्यू भी ले लिया। तो यहाँ पे जो है ना आपको क्वालिटी वाली चीज़ें और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिल रही है। तो ये जो कोच है ना, रेल रेस्टोरेंट, कोच रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही अच्छा है और ख़ासकर पैसेंजर के लिए तो बहुत अच्छा है। जो बाहर से आते हैं और उन वो मतलब भटकते रहते हैं, खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए, हम सजेस्ट करते हैं। और काफ़ी लोगों से जिनका हमने रिव्यू लिया वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। और वैसे ओपनिंग के बाद आज यहाँ का पहला दिन रहा तो बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा, हमारे चैनल पर नए हो। मिलते हैं फिर कुछ नई चीज़ों के साथ में, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।